कहा जाता है कि आधा हुस्न आंखों में होता है। बुझी बुझी और छोटी बटन नमा आंखें अच्छे भले चेहरे का सत्यानाश कर देती हैं, जबकि चमकती दमकती बड़ी और लंबी बादामी आंखें आम चेहरे को भी जाजब नजर बना देती हैं। अगर चेहरा हसीन हो और आंखें भी सितम डा रही हों, तो जाजबियत दिलकशी मजीद बढ़ जाती है और देखने वाला इसकी मकनातीसियत के आगे बेबस हो जाता है। ये तो आम आंखों की बात है, फिर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें। अल्लाहु अकबर, इनकी दिल आवेजी और खुशनुमाई का क्या कहना। आइए जिन नसीब आवरों ने इन गुलहाय नरगस की ज़ियारत की थी उनसे मालूम करें कि इन फूलों का रंग क्या था और बनावट कैसी थी। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीमुल ऐनैन, अंजलुल ऐनैन और अदअजुल ऐनैन कहा है, यानी आपकी आंखें बड़ी थी, कुशादा थी और इनकी स्याही बहुत गहरी थी। स्याह हिस्से के गिर्द जो सफेदी पाई जाती है वो भी बहुत नमाया और वाजे थी, यानी ना तो वो मलजगी थी और ना ही जर्दी मायल। अलबत्ता इसमें सुर्ख रंग के इंतहाई बारीक दौड़े तैरते थे, जिनकी वजह से आंखें बेपनाह हसीन नजर आती थीं और हर देखने वाले का दिल मोह लेती थी। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में गुलाबी डोरों का पाया जाना इन खसूसियात में से एक था जो साबका इल्हामी किताबों में आपकी नबूवत की इलामात के तौर पर दर्ज थी, इसलिए राहब हजरात इस निशानी को बहुत अहमियत देते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा यमन भेजा तो वहाँ एक राहब से मुलाकात हुई जिसके हाथों में कोई कदीमी किताब थी। इसने मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया पूछा तो मुझसे जिस हद तक बयान हो सका मैंने बयान कर दिया। कहने लगा और कुछ? मैंने कहा इस वक्त तो इतना ही याद है। उसने कहा क्या उनकी आंखों में सुर्खी पाई जाती है और दाढ़ी बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा अल्लाह की कसम ये सिफात उनमें पाई जाती हैं। उसने कहा आखिरी रसूल की तमाम निशानियां मेरे आबाओ अजदाद की किताबों में दर्ज हैं। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के नबी हैं और तमाम लोगों की तरफ भेजे गए हैं। मुख्तसर ये कि जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बनावट के अतबार से बड़ी बड़ी और कुशादा थी। स्याह हिस्सा मुकम्मल तौर पर स्याह था और सफ़ेद हिस्सा इंतहाई सफ़ेद था, अलबत्ता इसमें बारीक गुलाबी डोरे तैरते थे। बकौले सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी पलकों वाले थे। दोस्तों, अगर यूं कहें कि कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों जैसी कोई हसीन आंख ना कभी आई है और ना कयामत तक आएगी तो गलत ना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।